हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो एज यू ऑल नो कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैंने एक भी फेस्टिव ज्वेलरी वाली कोई वीडियो डाली ही नहीं है। सो इस वजह से वीडियो होगी फेस्टिव ज्वेलरी सेट से रिलेटेड, दैट टू अंडर 1000 रुपीज। सो यस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। है ये MI की ज्वेलरी, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट ये है सबसे पहले ज्वेलरी। ये ज्वेलरी है, इसका इयररिंग का है। ओके, तो सबसे पहले ज्वेलरी और सबसे पहला डिजास्टर, ये टूटा हुआ है, यहाँ से इसका ये निकल चुका है। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? सो ये थी वो ज्वेलरी, यहाँ पे पूरे में कुंदन स्टडेड ज्वेलरी है ये, और इस ज्वेलरी का प्राइस था सिर्फ 412, 412। बहुत मिनिमल लाइट वेट ज्वेलरी है ये। आपको कुछ भी एथनिक ट्रेडिशनल पहनना है, फेस्टिव वेयर पहन, आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना ज्वेलरी पे, तो आई गेस ऐसी मिनिमल ज्वेलरी परफेक्ट है। पूरा ज्वेलरी सेट है ये 412 रुपए में, तो आई गेस ये बिल्कुल परफेक्ट डील है। सो ये है नेक्स्ट कैरेट कार्ड की ज्वेलरी, ये भी पूरा ज्वेलरी सेट है। सो ये है पूरा ज्वेलरी सेट, यहाँ पे इनफैक्ट इसके साथ मांग टीका भी है, एंड ये रही इसकी इयररिंग्स, बिल्कुल सिमिलर है, एंड बहुत लाइट वेट इयररिंग्स है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी, ऐसा नहीं है, लाइट वेट इयररिंग्स है। यहाँ पे ये बीड्स हैं, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन के, यहाँ पे ये वाइट पर्ल यूज किए गए हैं, बीच में कुंदन स्टडेड है, एंड सिमिलर इसी में भी सेम ही चीज है, यहाँ पे बीड्स हैं, बीच में कुंदन स्टडेड है, परफेक्ट ज्वेलरी सेट है। इसको किसी भी चीज के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी चीज के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये। और इसका प्राइस था 610 रुपए की है ये ज्वेलरी। इस प्राइस में ये ज्वेलरी सेट पूरा मांग टीका के साथ है, आई गेस ये अच्छी डील है। नेक्स्ट भी सेम है, कैरेट कार्ड ब्रांड का ही है ये भी, देख लेते हैं। इसी ऐसा लग रहा है किसी ने ट्राई करके बिल्कुल सैंडी कर दिया है यहाँ पे। सो ये है वो चोकर नेकलेस, ये भी ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर बहुत वर्सेटाइल कलर होता है, वो हर किसी कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो इस वजह से ये चोकर नेकलेस है, यहाँ पे ये कुंदन स्टडेड है, यहाँ पे ये आर्टिफिशियल स्टोन्स भी हैं, यहाँ पे ये पर्ल्स हैं, ये थोड़े से हैवी हैं, थोड़े बहुत ही थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से हैवी है, बट है ये। इससे पहले वाला जो दिखाया था इसी ब्रांड का, वो इतने हैवी नहीं थे। इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, दो इसमें ऐसा सच कोई मांग टीका वगैरह नहीं है, बट इसका प्राइस है 726। प्योरा ब्रांड का ज्वेलरी सेट, लेट्स जस्ट ओपन इट। ओके, इसके झुमका स्टाइल इयररिंग्स है, सी बहुत ही प्यारे इसके इयररिंग्स है। ये मुझे रेड कलर लग रहा था, बट एप्लीकेशन में पिंक कलर है तो पिंक ही होगा, बट मेरे को रेड लग रहा है, अभी भी रेड लग रहा है इनफैक्ट। ये इसकी इयररिंग्स है, और ये है इसका नेकलेस पीस। हाँ, इसके नेकलेस में जो बीज है वो पिंक है, मतलब पिंक ही होगा ये। सी ये है इसका नेक पीस, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये। यहाँ पे पिंक एंड व्हाइट बीज यूज की गई है,
यहाँ पे कुंदन का वर्क है, नीचे पर्ल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट पे बहुत ही अच्छा लगेगा ये। ड्रॉ स्ट्रिंग क्लोजर है इसका भी। इसका प्राइस था 935, इसमें तो ज्यादा लिखा है बट 935 था ये। रूबंस ब्रांड का है। बेसिकली मैंने बहुत सारे जो ज्वेलरी सेट है वो चोकर स्टाइल में है, तो मैंने सोचा कि एक लॉन्ग नेक पीस भी होना चाहिए, क्या पता किसी को लॉन्ग ज्वेलरी सेट भी देखना हो उनके आउटफिट के साथ जा रहा हो, तो इस वजह से ये है पूरा लॉन्ग नेक पीस। ये कुछ ऐसा आएगा पूरा, इस पूरे में स्टोन स्टडेड है, आर्टिफिशियल बीड्स है इसमें, पीछे ही ऐसा हुक है, हुक क्लोजर है, ये ऐसे वाला क्लोजर है इसका, और ये है इसके इयररिंग्स। बिल्कुल सिंपल से है, जैसा नेक पीस में जो बीच में सेंटर पे वर्क था वही सिमिलर इयररिंग्स वैसे ही है। इस पूरी ज्वेलरी सेट का प्राइस था 788। तो अब ये है नेक्स्ट, इसकी ब्रांड है जस्ट पीची। ओके, सो इसमें ना दो सेट आ गए, मैंने जस्ट पीची ब्रांड से दो ज्वेलरी सेट किए थे तो दोनों आए हैं एक ही बॉक्स में, तो पहले ये वाला दिखा देती हूँ मैं। ये है इस ज्वेलरी सेट के इयररिंग्स, ब्लू स्टोन है इसमें, यहाँ पे बीच में चोकर नेकलेस है, ड्रॉ स्ट्रिंग क्लोजर है इसका भी सिमिलर, और ये है यहाँ पे ये बीड्स का वर्क है, और यहाँ पे ये स्टोन स्टडेड है, ब्लू कलर, और इसका प्राइस था 526। परफेक्ट। नेक्स्ट भी सेम ब्रांड की है, जस्ट पीची। सो ये है इसका नेकलेस, एंड टू बी ऑनेस्ट ये अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। सी ये है ग्रीन स्टोन स्टडेड है, यहाँ पे एडी का वर्क है, एंड यहाँ पे ये हुक क्लोजर है, ये वाला हुक वाला क्लोजर है, बट बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी का लग रहा है। अगर पता है ये थोड़ा कम प्राइस होता ना इसका तो समझ भी आता कि चलो ठीक है इसका प्राइस कम है। इसका प्राइस है 862, तो 862 के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये वाला। तो इसके ये है इसके इयररिंग्स, इसका 300 रुपये भी होता ना तो भी समझ आता, बट 800 तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रांड शाइनिंग डिवा से, सो ये है इसका नेक पीस। ये लॉन्ग नेक पीस नहीं है, मतलब as you can see बस यहीं तक आएगा ये, और यहाँ पर ये व्हाइट कुंदन स्टडेड है, येलो स्टोन यूज किया गया है, पर्ल बीडेड नेकलेस है, ये बहुत सही है, एंटीक नेकलेस है, ये सही लग रहा है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही डिफरेंट है इतने कम प्राइस में, ऐसा नहीं है, बट सही है, उस इससे पहले वाले जैसा नहीं है, और इसका प्राइस था 574, इससे पहले वाले से कम है, इमेजिन। ये है इसके इयररिंग्स, सिमिलर है, सेम जो उसमें स्टोन यूज़ किया गया था वही इसमें स्टोन है। Thank you.
नेक्स्ट है वो भी सेम ब्रांड से है, शाइनिंग डिवा, सेम ब्रांड। सो ये लॉन्ग नेक पीस है, सो ये कुछ ऐसा आएगा, ये पूरा नेक पीस। यहाँ पे बीच में एक कुंदन स्टडेड है, पर्ल बीज यूज हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा एक लॉन्ग चेन जैसा है और अच्छा लगेगा ये वाला, बिल्कुल सिंपल है, पर्ल का काम है, कुंदन का काम है, दैट्स इट। थोड़ा सा हैवी है ये, ज्यादा नहीं। और ये है इसके इयररिंग्स, दो मुझे ऐसे वाले इयररिंग्स पसंद नहीं है जिनका जिनमें लॉक नहीं होता, वो पीछे का हुक नहीं होता, वो वाले पसंद नहीं आते मुझे। तो ये ऐसे हैं, ये वाले, इसको बस ऐसे डालना होता है। ये बहुत लाइट वेट इयररिंग्स है इसके, बहुत ही ज़्यादा। और इसका प्राइस था 430, तो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट ज्वेलरी सेट है ये। ये वाला ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छे से आ नहीं पा रहा है, शो नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं कैसे, सिर्फ समझ नहीं आ रहा, इसका लुक नहीं आ पा रहा है वो इतना अच्छा, यहाँ से बिल्कुल सीधा ही नहीं हो रहा है। तो अब है ये वाली कैरेट कार्ड की, और ये वाली पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट ज्वेलरी है, जब मैंने ऑर्डर किया था ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और फेस्टिव वेयर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस कुछ टूटा फूटा ना आया हो, अभी जस्ट मैंने ये बोला ना कुछ टूटा नहीं आया हो, और ये टूटा आया है यार, ऐसे क्यों है। जो पसंद आती है ना बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जिस ज्वेलरी के लिए, वो हमेशा ख़राब ही निकलती है मेरी। सो ये है वो ज्वेलरी सेट, बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर ज्वेलरी सेट है, हर आउटफिट पे जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है यार। सी इसके जो पीछे लगना था वो पूरा निकला हुआ है, डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। इस ज्वेलरी सेट का प्राइस है 798। ऑफ कोर्स ये हैवी होगी थोड़ी, क्योंकि कुंदन का वर्क है, यहाँ पे जो स्टोन यूज किए गए हैं ये भी हैवी है। ज्वेलरी सेट बहुत ही अच्छी है, और इस ज्वेलरी सेट का भी ड्रॉ स्ट्रिंग क्लोजर ही है। फेवरेट अभी तक की सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी यही थी, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा नहीं कि सारी बेकार है, अच्छी दिखाई है मैंने और भी जो है, बट सबसे ज़्यादा अच्छी ये थी। मुझे पता है आप लोगों को भी यही अच्छी लगेगी सबसे ज़्यादा। That's it for my video. I hope you like my video. If you like my video, do subscribe to my channel and hit the like button.